प्रिय विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल का अध्ययन कर रहे हैं। और सल्तनत काल के अध्ययन के दौरान हम यह निर्णय कर चुके हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश क्यों था? इस बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। मैंने अनेक तर्क रखे थे कि इस वजह से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाना चाहिए। एक तर्क का मैं दोहरान करना चाहूंगा। उस तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं है, और जाता है तो आधा जाता है आधा। इल्तुतमिश दिल्ली का वह पहला सुल्तान था जिसने सल्तनत के स्थायित्व की चिंता की, अपने उत्तराधिकार की चिंता की। और खास बात यह है कि जब उसका प्रिय और योग्य पुत्र नासिरुद्दीन मारा गया तो उसने अपने नालायक पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उसने अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपने जीते जी उसने रजिया के पक्ष में उत्तराधिकार का पत्र लिख दिया था। अमीरों ने बहुत थोड़े से विरोध के बाद और यह मान लिया कि ठीक है सुल्तान, जब आप कह रहे हैं तो ठीक है, रजिया को बना देंगे। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि एक औरत सुल्तान बने। इल्तुतमिश के मरने के बाद उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और उन्होंने इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज के नाम से सुल्तान बना दिया। यह तय है कि उस समय सुल्तान कौन बनेगा, यह फैसला सरदार करते थे। तो रजिया ने बड़ी चतुराई से, बड़ी परिपक्वता से, बड़ी समझदारी से अपने पिता के फैसले को सही सिद्ध करते हुए रुकनुद्दीन फिरोज से गद्दी छीनी। लेकिन 1236 से 1240 ईस्वी के बीच में रजिया का, सुल्तान रजियतुद्दीन का जो कार्यकाल रहा वह बड़ा संघर्षपूर्ण था। यह तो तय है कि जो सुल्तान बनेगा उसे संघर्ष तो करना पड़ेगा। और फिर मैं रजिया के लिए यह बात क्यों कह रहा हूं? मैं रजिया के लिए यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इतिहासकारों ने यह एक अवधारणा चला रखी है कि रजिया योग्य थी, रजिया समझदार थी, रजिया योद्धा भी थी, लेकिन
वह सफल इसलिए नहीं रही, उसे कष्टों का सामना इसलिए करना पड़ा, उसे संघर्ष इसलिए झेलना पड़ा कि वह एक स्त्री थी, एक औरत थी। रजिया का स्त्री होना उसका दुर्भाग्य था, यह कहा गया। यह बात एक सीमा तक सही भी है। रजिया की बात अपन कर चुके हैं, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसके शासन का और साथ ही उसके जीवन का अंत हुआ। रजिया के बाद में उसके भाई बहराम शाह को गद्दी पर बिठाया गया। वह अमीरों के हाथों की कठपुतली था, वजीर के पद पर मुहज़्ज़बुद्दीन था और नायबे ममालिकत वह था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, और सत्ता ऐतगीन के हाथ में ही थी। इस ऐतगीन ने सुल्तान की बहन से विवाह करके अपनी शक्ति को ज़्यादा बढ़ा लिया था। बहराम शाह को यह पसंद नहीं आया, उसे लगा कि यह तो मुझे मारेगा, तो उसने इस ऐतगीन की हत्या करवा दी। लेकिन सुल्तान का जो आश्रय था सरदारों में वह खत्म नहीं हुआ। उसकी जगह एक अमीर हाजिब था बदरुद्दीन सुकर, उसने ले ली, मतलब ऐतगीन की जगह सुकर आ गया। अब वह तो जो साथी सरदार हैं उन पर जुर्म ढाने लगा, अपनी मनमर्जी करने लगा, तो सरदारों ने उस सुकर को भी मरवा दिया। बहराम शाह के समय की एक बात को याद रखिए कि उसके समय मंगोलों का आक्रमण हुआ मुल्तान पर। मुल्तान का जो गवर्नर था उसका नाम था करकश, वह राजधानी छोड़कर भाग गया। लेकिन मंगोल सिर्फ लूटमार करके चले गए, आगे नहीं आए। लाहौर को उन्होंने बहुत बुरी तरह से लूटा था उस समय। जो शमसी कुलीनों का वर्ग था, कौन थे शमसी कुलीन? इल्तुतमिश का पूरा नाम था, पूरा भी नहीं था, लेकिन उसके नाम का एक हिस्सा अपन बोलते नहीं है आमतौर पर, वह था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और उसने अपने पक्ष में 40 अमीरों का एक दल बनाया था, चहलागान, और उसमें आस्था रखने वाले जो सरदार थे इल्तुतमिश में, वे कहलाए शमसी अमीर या शमसी सरदार। वैसे ही जैसे मुइजुद्दीन बिन साम, मोहम्मद गोरी को याद कीजिए, उसमें आस्था रखने वाले कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के समय मुइज्जी कहलाते थे, और इल्तुतमिश के समय कुछ कुतुबी सरदार भी सक्रिय थे जिनकी आस्था कुतुबुद्दीन और उसके वंश में थी, जिनकी आस्था। तो इन्होंने क्या किया, सरदारों ने, के उसकी तो हत्या करवाई दी थी सुकर की। सुकर की हत्या से पहले ही मंगोलों का हमला हो ही गया, मैं बता चुका हूं। लेकिन एक शमसी सरदार था इज्जुद्दीन किशलू खां, उसने बहराम शाह की हत्या कर दी और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, सरदार बन गया सुल्तान। लेकिन दूसरे सरदारों ने
उसके इस कृत्य को मंजूरी नहीं दी। मतलब उसके पक्ष में सरदारों का कोई बड़ा गुट बना नहीं, उन्होंने यह निर्णय लिया सरदारों ने कि भाई गद्दी पर तो इल्तुतमिश का वंशज ही बैठना चाहिए, बैठेगा। और उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज के बेटे इल्तुतमिश के पोते अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बिठा दिया। चार वर्ष तक रहा, 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक, लेकिन वह नाम मात्र का शासक ही था। ऐसा उसने कोई काम नहीं किया जिससे ये लगे कि वह एक सुल्तान है। वह तो मलिक नायब कुतुबुद्दीन हसन गोरी के हाथों की कठपुतली था। जो मुहज़बुद्दीन था वह अब भी वजीर था, बाद में मुहज़बुद्दीन को हटा भी दिया गया। लेकिन एक नाम आपको याद रखना चाहिए इस समय, वह नाम लगातार सक्रिय है अपने काम में, इससे पहले भी, वह नाम है एक सरदार बलबन का। वह चालीसा का मेंबर था, यानी इल्तुतमिश के वफादार सरदारों में था। वह सब कुछ देख रहा था, जो शासक बन रहा था उसके साथ हो रहा था। तो ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं कि उसकी हत्या हो जाए या उसका कोई पद दलन हो जाए या उसकी कोई पदावनति हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। अपनी जगह सुरक्षित रखते हुए एक सरदार बलबन लगातार आगे बढ़ रहा था, अपना प्रभाव जमा रहा था। मैंने यह क्यों कहा कि आपको यह नाम याद रखना चाहिए, इसलिए कहा कि आने वाला समय 1246 से लेकर 1266 तक का, और 1266 से लेकर 1286 तक का, 86-87 तक का समय बलबन का समय। उसका जो आधा समय है वह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का है, और आधा समय एक सुल्तान के रूप में काम करने का है। तो बलबन इस समय अमीरे हाजिब था। उसने अपनी एक बेटी का विवाह भी मसूद शाह के साथ कर दिया, लेकिन मसूद शाह के काल को इसलिए याद किया जाना चाहिए कि उसके अमीरों ने उसकी मदद नहीं की, वे अपने स्वार्थ में लगे रहे और दिल्ली सल्तनत टूटने लगी। अभी तक तो पूरी बनी ही नहीं थी, लेकिन टूटने लगी। बंगाल का जो गवर्नर था तमर खां, उसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। मुल्तान और उच्च में कबीर खां अयाज, जिसने मंगोलों के आक्रमणों का भी सफलतापूर्वक विरोध किया था, वह स्वतंत्र हो गया। इधर खोखर सक्रिय हो गए। गंगा घाटी में अनेक हिंदू सरदार थे, वीर सरदार थे, वे लगातार सल्तनत के विरुद्ध तलवार उठाए रहते थे, उनको कोई दबा नहीं सका। और जून 1246 ईस्वी में सरदारों ने मसूद शाह को अपदस्थ कर दिया, और चालीसा गुट के लोगों ने एक नया सुल्तान बनाया, नासिरुद्दीन महमूद। अब ये नासिरुद्दीन महमूद कौन है?
क्योंकि एक नाम नासिरुद्दीन महमूद का आप इल्तुतमिश के पुत्र के रूप में सुन चुके हैं जो मर गया था, और लिखा मिलता है कि उसकी मृत्यु से दुखी होकर इल्तुतमिश समय से पहले बूढ़ा हो गया था। संतान के जाने का दुख किसी को भी बूढ़ा कर सकता है, चाहे वह कोई सुल्तान हो चाहे वह कोई आम आदमी हो। तो उत्तराधिकार की चिंता हुई थी उसके मरने के बाद में, पहले तो नहीं थी कि यह बनेगा उत्तराधिकारी, तो मैंने आपको बताया था सारा प्रकरण आपको रजिया वाला। अब यह नासिरुद्दीन महमूद कौन था? इतिहासकारों का एक वर्ग कहता रहा कि यह इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र था, सबसे छोटा, और उसे गद्दी पर बिठा दिया गया, आयु भी कम थी इसकी। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद के शोध कार्यों से यह सिद्ध हुआ कि वो इल्तुतमिश का जो बेटा नासिरुद्दीन महमूद मारा गया था ना, उसके मरने के बाद में उसके बेटा हुआ कुछ महीनों बाद में, और इल्तुतमिश को वह पोता अपने बेटे जितना ही प्यारा लगने लगा। उसे लगा कि यह तो नासिरुद्दीन ही आ गया है मरने के बाद, तो उसने अपने पोते को अपने बेटे का नाम दिया, पोते का नाम रख दिया नासिरुद्दीन महमूद, जो उसके बेटे का नाम था। और उसकी जो मां थी उसको भी विशेष सुविधाएं प्रदान की गई, और इल्तुतमिश ने अपने पोते को अपने बड़े पुत्र के बराबर प्यार दिया, वही नाम दिया, उसको वही उपाधि दी। और वह लोगों से यह कहता था कि इसे मेरा बेटा ही कहा करो। लोगों ने उसे बेटा कहा और बाद में जब वह मर गया तो फिर घटनाएं अपने हिसाब से घटती हैं, लेकिन यहां उसको अवसर मिल गया। यह जो नासिरुद्दीन महमूद था यह इल्तुतमिश का बेटा नहीं पोता था। यह जो नासिरुद्दीन महमूद है यह 17 साल का किशोर था, किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर रहा था। 19 साल तक तो अपन टीन एज ही बोलते हैं ना, 19 किशोरावस्था कैशोर। तो उसके पास पद तो था, कभी वह बहराइच का सूबेदार भी हुआ करता था, लेकिन उसने अपने मन में कभी सुल्तान बनने की इच्छा नहीं पाली। जैसी इच्छा आमतौर पर ये जो सुल्तानों के परिवारों के बच्चे पाल लेते थे, इसीलिए वो बचपन से ही षड्यंत्र करना सीख जाते थे, लेकिन इसने नहीं पाली। उसे तो जब राजधानी लाया गया तो लड़की के भेष में लाया गया छिपाकर, कर
मसूद शाह की भी हत्या हो गई थी बाद में, तो मसूद शाह की जगह उसे लाकर गद्दी में बिठाया गया, गद्दी पर बिठाया गया। अब वो उसको लाया गया तो कभी तो वह लड़की का भेष धरता था, कभी उसको पालकी में बिठाया जाता था, यानी किसी भी तरह से उसको ले आया गया। और इसका जो प्रमुख संरक्षक मंडल था उसका एक सदस्य था बलबन। और यह जरूर है कि मसूद शाह की हत्या में बलबन शामिल नहीं था, वह ऐसे कामों से अपने आप को बचाता आ रहा है, यह ध्यान रखना, क्योंकि यह प्रश्न फिर उठेगा जब नासिरुद्दीन महमूद की मौत होगी, तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि कहीं बलबन ने तो उसको नहीं मरवा दिया। तो उस समय बात फिर करेंगे, दोबारा बात करेंगे अपन। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि नासिरुद्दीन एक पढ़ा लिखा, तो जितनी उस आयु में पढ़ाई होनी चाहिए थी उतनी पढ़ाई किया हुआ और बड़ा ही सभ्य सुल्तान बना, सीधा साधा, प्रपंचों में नहीं पढ़ने वाला। गद्दी पर बैठने के बाद भी उसे गद्दी से कोई मोह नहीं हुआ, यद्यपि आगे जाकर वह कुछ निर्णय करता हुआ दिखाई देता है। इतिहासकारों का एक वर्ग उसे एक स्वतंत्र सुल्तान के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी करता है, लेकिन हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद के समय जो भी हुआ वह वही हुआ जो बलबन ने किया, उसके प्रधानमंत्री ने किया। बहुत छोटे से खंड को छोड़कर पूरे समय बलबन नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री रहा। अब इस व्यक्ति ने 1246 से लेकर 1266 तक शासन क्यों कर लिया 20 साल तक? इसके पहले के सुल्तान तो बहुत जल्दी जल्दी मारे जा रहे हैं। तो इसका एक कारण हमारे विद्वान यह बताते हैं कि यह अमीर जो कहते थे वह कर लेता था अपनी तरफ से कुछ, आप यह समझ लीजिए कि होशियारी लगाने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन एक यही कारण हो नहीं सकता। इसके पहले भी जो सुल्तान हुए हैं वे जो अमीर कहते थे, सुल्तान के जो सरदार कहते थे वैसे कर लेते थे। यहां एक जो प्रमुख बात है वह यह है कि सरदारों के बीच में संतुलन इस तरह का बन गया था कि उनके बीच में कोई संघर्ष नहीं हुआ। और एक समय ऐसा आया जब सभी सरदारों ने बलबन को समकक्षों में प्रधान मान लिया था कि भाई जो बलबन जी कह रहे हैं वे करेंगे। इस वजह से नासिरुद्दीन महमूद के लिए गद्दी पर बने रहना आसान हो गया। अब नासिरुद्दीन महमूद को जब अपन पढ़ेंगे तो हम एक तरह से बलबन को ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में रजिया के बाद में सीधा बलबन का नाम है। लेकिन मुझसे यह होता नहीं कि मैं बलबन की बात एक प्रधानमंत्री के रूप में सीधी करनी शुरू कर दूं। एक प्रधानमंत्री के रूप में बलबन इतना सक्रिय कैसे हो पाया, सफल कैसे रह पाया, इसकी पृष्ठभूमि देखने के लिए हमें नासिरुद्दीन महमूद की ताजपोशी भी देखनी जरूरी थी। तो अगली बार जब अपन मिलेंगे तो यह बात करेंगे कि एक प्रधानमंत्री के रूप में बलबन ने क्या किया और एक सुल्तान के रूप में उसने क्या किया, उसकी बात बाद में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।